अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मार्शलिंग सिक्योरिटीज़। अभी जो मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ है, सेक्शन नंबर 81 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसकी डायरेक्ट वर्डिंग थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये मार्शलिंग सिक्योरिटी है क्या। अब देखें, सबसे पहले अगर हम इसकी डायरेक्ट रीडिंग करें तो डायरेक्ट रीडिंग के अंदर ये हमें कुछ यूँ कहता है कि इफ़ द ओनर ऑफ टू और मोर प्रॉपर्टीज़ If the owner of two or more properties mortgages them to one person and then mortgages one or more of the properties to another person, the subsequent mortgagee is in the absence to the contract to the contrary entitled to have the prior mortgaged debt satisfied out of the property or properties mortgaged to him. अब अगर इसको हम दो से तीन बार पढ़ें तो ही हमें ये समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। जब तक हम इसकी रीडिंग एग्जाम्पल के साथ नहीं करेंगे तब तक हम इसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी की जो डायरेक्ट वर्डिंग है वो थोड़ी बहुत ट्रिकी है। अब देखें, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास? एक्स, वाई और जेड, ये तीनों क्या है हमारे पास? थ्री प्रॉपर्टीज़ हमारे पास, ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। और ए जो है मॉर्गेज कर देता है, ए मॉर्गेजेस टू बी, ए मॉर्गेज कर देता है ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ किसको? बी को। उसके बाद ए क्या करता है, ये जो जेड इसकी प्रॉपर्टी है, जेड हो गई या कोई भी इनमें से एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, मॉर्गेज या फिर सेल कर देता है किसको? सी को। अब देखें, ए ने पहले मॉर्गेज किया बी को तीनों प्रॉपर्टीज़, फिर सी को ही वो मॉर्गेज कर रहा है दोबारा। सोल्ड टू सी, देन सी विल से फर्स्ट यूज़ दोज प्रॉपर्टीज़ बिकॉज देयर इज़ इंटरेस्ट ऑफ मी इन जेड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर बी जो है इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है, तीनों प्रॉपर्टीज़ को कौन यूज़ कर रहा है? बी यूज़ करने वाला है, तो सी बी को कहेगा कि आप पहले दूसरी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट मॉर्गेज की सूरत में भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट आपका सोल्ड आउट की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन होता मॉर्गेज की सूरत में ही है। किस तरीके से? मिसाल के तौर पर ए है, ए ने बी को दो से तीन प्रॉपर्टीज जो थी वो मॉर्गेज कर दी। उसके बाद क्या किया ए ने उनमें से एक और प्रॉपर्टी किसी और को मॉर्गेज कर दी। अब जब जो सी है, जब किसी और को मॉर्गेज की, तो जो पहले वाला मॉर्गेजी था, जो पहले वाला मॉर्गेजी था वो क्या करता है, वो उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है जो कि एक प्रॉपर्टी दो बंदों को मॉर्गेज हो चुकी है। तो बाद में आने वाला जो मॉर्गेजी वो कहेगा इस पहले वाले को कि आप पहले दूसरी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मेरा भी इंटरेस्ट है। सिंपल इसकी जो है वर्डिंग है सेक्शन 81 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट की। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। थैंक यू, दैट्स ऑल।